ली ग्रुप एक फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कंपनी को योही ने खड़ा किया होता है जिसे अब उनका पोता जियासन हैंडल कर रहा होता है और वो इस कंपनी का सीईओ है। जियासन का काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। वो काफी ज्यादा गुस्से वाला और हमेशा रोड रहा करता है। जियासन फेम शो कंपनी को अपना एनुअल कॉस्मेटिक फैशन शो का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मना कर देता है। पिछले कई सालों से फेम शो कंपनी ही ली ग्रुप के कॉस्मेटिक फैशन शो को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, लेकिन इस बार जियासन को उनका प्रपोजल पसंद नहीं आता, इसी वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। तभी यहाँ की एम्प्लॉय जियासन को बोलती है कि आपने जिस भी टीम को इस बार चूज किया है, हम उसे कॉम्पिटेट करना चाहते हैं, हम आपको उनसे बेस्ट प्रपोजल देंगे। और जियासन उस कंपनी को एक दिन का टाइम दे देता है और बोलता है कि अगर इस बार आपने अच्छा प्रपोजल नहीं दिया तो फ्यूचर में हमारी कंपनी आपके साथ कभी भी कोलैब नहीं करेगी। और अब दोनों लोग मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। जियासन का असिस्टेंट बोलता है कि आपने तो इन बेचारी लड़कियों को डरा ही दिया। जियासन बोलता है कि मैंने तो चांस दिया है। ये दोनों वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से हमारी हीरोइन सो गुजरती है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। सू भी इसी ऑफिस में काम किया करती है। एडिटर सू को जियासन के कंपटीशन वाली बात बता देती है और वो कहती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन हम ये जीत कर ही रहेंगे। हम जियासन को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही होती, तो वो आधी रात को एक शॉप में नूडल खाने आ जाता है और तभी उसकी नज़र वहाँ बैठी एक लड़की पर जाती है। उस लड़की की फोन पर कॉल आता है और उसकी रिंग की जो साउंड होती है वो जियासन को जानी पहचानी लगती है और लड़की अपनी कैप हटाती है और जियासन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लड़की का फेस जियासन की गर्लफ्रेंड से बिल्कुल मैच करता है। जियासन को कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ मिनट के लिए एकदम सन पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दो लड़कियां एकदम सेम कैसे दिख सकती हैं। और तभी हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलता है कि जियासन की जो गर्लफ्रेंड थी वो बिल्कुल ऐसा ही दिखा करती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है और अब वो सामने वाली लड़की वहाँ से जाने लगती है। जियासन उसके पीछे जाता है लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद जियासन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या सेम शक्ल वाले एकदम सेम टू सेम ही दिखते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हाँ ट्विंस होते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। और तभी जियासन बहुत ही उदास होकर कहता है कि मुझे लगा कि मैंने आज उसे देखा। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी तो डेथ हो चुकी है। खैर अगली रात जियासन फिर से उस शॉप में आता है और वहाँ पर फिर से उसे वही लड़की नजर आती है जो एक पेंटिंग बुक देख रही होती है। जियासन भी पेंटिंग को लेकर बात करने लग जाता है। सू उसके पास आकर बैठ जाती है, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और तभी सू को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। सू बुक को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जियासन को उसमें एक पेंटिंग एग्जीबिशन की टिकट मिलती है। नेक्स्ट दिन में जियासन उसी एग्जीबिशन में आ जाता है। जियासन वहाँ पर एक पेंटिंग को देख रहा होता है। सू वहाँ पर आकर बताती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियासन उसे उसकी बुक लौटाता है और वो उसे अपना नाम गोवाओ बताती है और वो उससे हाथ भी मिलाती है और उससे हाथ मिलाकर जियासन को उसको अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। और तभी वो सवाल कर लेता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं और वो बहुत ही स्टाइल में कहती है कि तुम्हें फ्लर्ट करने नहीं आता, तुम्हें अपनी फ्लर्ट करने का स्टाइल बदल देना चाहिए। और तभी वो पूछता है कि क्या तुम आफ्टरनून में फ्री हो, लेकिन वो कहती है कि मैं बिजी हूँ और वो उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। जियासन फिर भी कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जियासन उसका वेट कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आती, तो वो उसे कॉल करता है लेकिन वो नंबर नॉट अवेलेबल आता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियासन को बताता है कि मैंने चेक कर लिया है कि गुवाओ नाम के किसी भी लड़की की पेंटिंग उस एग्जीबिशन में नहीं थी। और तभी जियासन उस नंबर पर दोबारा कॉल करता है और वो कॉल असिस्टेंट को लगता है और वो कहता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। इसके बाद असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बुलाता है और उससे फोन नंबर के बारे में पूछता है और वो कहती है कि मेरे पास दो फोन नंबर है, कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड अब्रॉड से यहाँ आई थी तो ये नंबर मैंने उसे यूज करने के लिए दे दिया था। और उन्हें अपनी फ्रेंड की फोटो भी दिखाती है। इसके बाद जियासन दोबारा एग्जीबिशन के बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है और तभी जियासन को गुआओ दिख जाती है और वो उसके पास आकर कहता है कि तुमने मुझे नॉट अवेलेबल नंबर क्यों दिया है। और सू कहती है कि मैं दो दिन के बाद अब्रॉड वापस जा रही हूँ, मेरी ये पेंटिंग नहीं बिक पाई तो एग्जीबिशन में वापस लेकर आई। और जियासन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगी तो मैं ये पेंटिंग खरीद लूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों लंच पर होते हैं और वो उसे कहती है कि मैंने पेंटिंग तुम्हारे घर पर डिलीवर करवा दी है
और जिहासन उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है। ये पेंटिंग का डिपॉजिट है, लेकिन वो कहती है कि काफी एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। और जिहासन कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग इससे ज्यादा महंगी थी, और सू उसे रख लेती है। इसके बाद जिहासन उसे अपने घर लेकर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग लगाने में हेल्प करती हूँ। इसके बाद वो उठकर जाने लगती है, लेकिन जिहासन उसका हाथ पकड़ कर खींच लेता है। इन सब में ड्रिंक्स जिहासन के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन जिहासन कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। पीछे से जू वो उसके लैपटॉप से उसकी टीम का प्रपोजल चुरा लेती है और अब जिहासन कपड़े चेंज करके वापस आता है, लेकिन सू उसे वहाँ नहीं मिलती। उसे उसका एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, ये मेरा न्यू कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट डे फेम शो की कंपनी अपना प्रपोजल रखती है। जिहासन वो प्रपोजल सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि वो अपोजिट टीम का प्रपोजल होता है। जिहासन एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या ये प्रपोजल तुम लोगों ने खुद तैयार किया है, और वो सब कहते हैं कि ये हमारे न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर का आइडिया है, और वो न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि सू ही होती है। जिहासन सू को देखकर शॉक रह जाता है और वो सब समझ जाता है कि ये सब कुछ ट्रैप था ताकि ये लोग अपोजिट टीम का प्रपोजल चुरा सके। अपोजिट टीम के पास कोई प्रपोजल नहीं होता तो ग्रैंडफादर फिल्म शो की कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाते हैं। जिहासन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सू को बोलता है कि तो ये प्रपोजल तुम्हारा था, तो इसे संभालोगे तुम ही। और तभी पीछे से सू की कलीग कहती है कि ये अभी न्यू आई है, ये इस प्रपोजल को हैंडल नहीं कर पाएंगी, लेकिन जिहासन नहीं सुनता और जिहासन असिस्टेंट को कहता है उस सू का सारा बैकग्राउंड निकाल कर दो मुझे, ये कहाँ से आई है और कौन है। और तभी सू उसकी कार के सामने आ जाती है। जिहासन तेज स्पीड में कार उसकी तरफ लेकर आता है, लेकिन सू नहीं डरती और वो वहीं खड़ी रहती है। जिहासन को ही कार रोकनी पड़ती है। जिहासन उससे पूछता है कि क्या मुझे थैंक यू बोलने के लिए मरी जा रही हो, और वो कहती है कि हमारी कंपनी पिछले 2 महीने से आपको प्रपोजल भेज रही है, लेकिन आपने बिना देखे ही सारे रिजेक्ट कर दिए हैं, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा करियर को बचाने के लिए। जिहासन बोलता है कि तुमने फर्स्ट टाइम झूठ बोला, तुम्हारी गलती थी, और अब सेकंड टाइम तुम झूठ बोलो और मैं यकीन करूं तो ये मेरी गलती होगी। वो सॉरी कहती है और वो उसे उसका लॉकेट वापस करती है। वो कहती है कि उसने इस लॉकेट को हाथ तक नहीं लगाया है। जिहासन उस लॉकेट को नहीं लेता, लेकिन वो वहीं पर रख कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिहासन का असिस्टेंट जू का सारा बायोडाटा निकाल कर लाता है, जिससे जिहासन को पता चलता है कि सू ने अपना ग्रेजुएशन जापान से किया है, और तभी सू उससे बात करने के ये वहाँ आ जाती है। लेकिन जिहासन तो अपनी मसाज कराने में व्यस्त होता है, वो उसे अंदर आकर बात करने को कहती है। जिहासन सू के पास आकर कहता है कि तुम्हें सिर्फ शॉर्टकट लेने आता है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है क्या। तो वो कहती है कि आप तो छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ ही जाते हो। जिहासन बोलता है तुम्हारे पास 3 दिन है, फैशन शो के लिए कोई सुटेबल प्लेस अगर नहीं ढूंढा तो ये कंपनी छोड़कर चली जाना। सू कहती है सॉरी, आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस ढूंढ रखे हैं, बस आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। सू उसे बहुत सारे प्लेसेस की जगह दिखाती है, लेकिन वो बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है। जिहासन बार बार कोई ना कोई बहाना निकाल कर रिजेक्ट करता रहता है और कहता है कि तुमने जो शूज चुरा कर पहना, लगता है तुम उस शूज को पहन नहीं पा रही हो। शू कहती है कि चाहे मुझे कितना भी पेन हो, मैं उस शूज को पहन कर ही रहूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चलती बनती है। शो के पैर में चोट लग जाती है क्योंकि सैंडल बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और उसे पेन हो रहा होता है, और जिहासन उसे बहुत जोर से पानी की बोतल फेंक कर देता है, कहता है कि तुमने आज बहुत मेहनत की। सू पानी पीकर कहती है थैंक यू, और यहाँ से उठकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे सू उसे एक और प्लेस दिखाने लाता है और जिहासन को ये जगह फैशन शो के लिए पसंद आती है, और तभी सू अपने सैंडल की तरफ देखती है और वो वहाँ पर बैंडेज लगाने लगती है, लेकिन जिहासन उससे बैंडेज ले लेता है और खुद ही उसे लगाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक लड़की फैशन शो देखने आई होती है, असिस्टेंट की नजर उस लड़की पर टिकी रह जाती है और उसे देखते ही वो लड़की पसंद आ जाती है। थाई एडिटर को आकर कहती है कि मेन मॉडल नहीं आया, मैंने उसके रिप्लेसमेंट में किसी और को बुला लिया है, और तभी सू वहाँ आकर बोलती है कि इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपनी फ्रेंड थाई को वहाँ बुला लेती है। एडिटर उसे रिप्लेस करने के लिए मान जाती है, तभी एम्प्लॉय आकर बताता है कि मॉडल के कपड़े फट गए हैं। सू कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, ये सब वही कर रही होती है क्योंकि वो सू से नफरत करती है। एक तरफ फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और असिस्टेंट श्रिया से कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। वो कहती है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें फैशन शो पर ध्यान देना चाहिए। असिस्टेंट एम्बैरस हो जाता है। एक तरफ वो लड़की सू के ड्रेस पर जानबूझकर चाय गिरा देती है और फिर उसे सॉरी कहती है। सू अपनी ड्रेस को ठीक कर लेती है
और पहनकर बाहर आती है। जिहासन उसकी शॉर्ट ड्रेस देखकर उसे ब्लेजर से कवर कर देता है। वो उसे मना करती है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जिहासन नहीं सुनता। इसके बाद फायरी सू के वाटर बॉटल में कुछ डाल रही होती है, तभी सू अचानक से आ जाती है और कहती है कि मेरी बॉटल में क्या मिला रही हो, जहर मिला रही हो क्या? ताई बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं मिला रही। इसके बाद सू जिहासन से पूछती है कि शो कैसा लगा। जिहासन कहता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा कोट वॉश करने के बाद रिटर्न कर दूंगी। जिहासन उसे लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेता, और वो उसे जबरदस्ती वो लॉकेट पहना देता है। और तभी एक रिपोर्टर उन दोनों की पिक क्लिक कर लेता है, और इसी पिक की वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप की अफवाह वायरल हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप दोनों तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा है हर जगह, और अगर इसके बारे में ग्रैंडपा को मालूम पड़ा तो आप उन्हें क्या कहेंगे। दूसरी तरफ सू ऑफिस पहुंचती है और रिपोर्टर्स का झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और सवालों की बौछार करता है। सू की सैंडल टूट जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है, शिया उसे मेडिसिन लगा रही होती है। शिया एक डॉक्टर है और सू की एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी, और ये उसके लिए तरबूज लेने के लिए बाहर चली जाती है। जिहासन सू की ऑफिस पहुंचता है, जहां एडिटर से उसे पता लगता है कि सू हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई है। दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं, असिस्टेंट उसे सू की वीडियो क्लिप दिखाता है। जिहासन देखता है कि सू लेफ्ट हैंडेड है, और तभी उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी लेफ्ट हैंडेड है। दोनों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिहासन असिस्टेंट को रूम के बाहर वेट करने के लिए कहता है, इसके बाद वो अंदर चला जाता है। सू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारे पास ज्यादा फ्री टाइम तो नहीं आ गया है ना कि तुम मुझे देखने आ गए हो। जिहासन कहता है कि तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो उस दिन तुम खाना राइट हैंड से क्यों खा रही थी, मुझे दिखाने के लिए। सो कहती है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोग लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, और मैं अपने लेफ्ट हैंड का यूज करूँ या राइट हैंड का यूज करूँ क्या फर्क पड़ता है। जिहासन कहता है कि अपना रियल नाम बताओ। वो कहती है कि मैरी गर्ल क्यूट गर्ल स्यूट गर्ल और भी कोई नाम रखना चाहते हो तो रख दो। और तभी शिया तरबूज लेकर आ जाती है और असिस्टेंट को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। असिस्टेंट कहता है कि इतनी जल्दी भूल गई, कल ही तो फैशन शो में मुझे देखा था। असिस्टेंट उसकी आईडी पर उसका नाम पढ़ने लगता है, लेकिन शिया को उसके इरादे कुछ और लगते हैं। वो उसे कहती है कि कहाँ देख रहे हो, और असिस्टेंट कहता है कि ओ सॉरी गलत मत समझना, मैं तुम्हारा नाम पढ़ रहा था। लेकिन वो गुस्से में उसे हिट करके अंदर चली जाती है। जिहासन को और सू को साथ में देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, और शिया कहती है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। और तभी असिस्टेंट सभी को तरबूज देता है खाने को, सभी लोग तरबूज खाने लग जाते हैं। जिहासन कहता है कि मुझे अकेले में सू से बात करना है। असिस्टेंट शिया को लेकर यहाँ से चला जाता है, और तभी सू देखती है कि फिर से कोई कैमरा लेकर इनकी फोटो क्लिक करने आ गया है, लेकिन ये चीज जियासन नहीं देखता। और सू हड़बड़ी में उठती है और जियासन को पकड़ कर हग कर लेती है, और जियासन ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि इसने मुझे हग क्यों किया, लेकिन वो कहती है कि घबराओ नहीं, रिपोर्टर्स फोटो क्लिक कर रहे हैं जिसके वजह से मैं तुम्हें छुपा रही हूँ। रिपोर्टर के जाते ही वो उससे दूर हट जाती है और कहती है कि मुझे काम के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ। जिहासन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। दोनों कार से जा रहे होते हैं और जिहासन कहता है कि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि आज गर्मी बहुत है। लेकिन जिहासन फिर से पूछता है कि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फिर इग्नोर करके कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़े, फैशन शो के बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ गए हैं। और जिहासन गुस्से में कार रोकता है और वो कहती है कि शायद तुम्हारा मूड खराब है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलती हूँ। और वो कार से उतर ही रही होती है कि जिहासन उसे रोक लेता है। इसके बाद जिहासन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मुक्शियाओ है। असिस्टेंट कहता है कि हमने सू के डेटा को अच्छे से चेक किया है, वो मुक्शियाओ नहीं है, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिहासन कहता है कि लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि वो मुक्शियाओ है, और मैं 100% श्योर भी हूँ। असिस्टेंट कह रहा है ऐसे तो मुझे भी फील हो रहा है कि वो मुक्शियाओ है, और मुझे ये भी फील होता है कि शिया मुझे लाइक करती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। जिहासन को भाई का मैसेज आता है, वो कह रही होती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में फाइल एडिटर को बोलती है कि मैं जिहासन का इंटरव्यू लेने वाली थी, लेकिन अचानक से आपने ये काम सू को क्यों दे दिया। ऑडिटर बोलती है कि जिहासन ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि ये उसका इंटरव्यू लेगी, इसलिए सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। और उसका मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सू ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और अच्छे से तैयार होकर वो बाहर आती है। जिहासन सू का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई होती। और तभी ताई वहाँ पर आकर कहती है कि वो किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाई और उसने मुझे इंटरव्यू लेने के लिए भेजा हुआ है। और जिहासन इंटरव्यू देने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट उसके साथ फिक्स किया था तो वही आनी चाहिए। असिस्टेंट ताई को वहाँ से भेज देता है। वो इंटरव्यू लेने के लिए सू वहाँ आ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि सॉरी तुम लेट हो गई, लेकिन वो फिर भी कहती है कि सॉरी मुझे एक चांस दे दो। जियासन कहता है कि टाइम और प्लेस बता दूंगा, टाइम पर पहुंच जाना। सू ऑफिस के बाहर आती है और फाई बाहर ही खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम बहुत खुश होगी ना दूसरों का काम चुरा कर, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के काम में पैर नहीं लड़ाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू के फेस पर एक चोट का निशान होता है। 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उसके फादर मर गए थे और उसी एक्सीडेंट के बाद सू की याददाश्त चली गई और उसके फादर के फ्रेंड ने उसे जापान पढ़ने भेज दिया। सू को लगता है कि उसके फादर को जान कर मारा गया और इसी बात का पता करने के लिए वो चाइना वापस आई होती है और इस कार एक्सीडेंट में ली ग्रुप का हाथ है, इसीलिए सू जियासन के करीब जाना चाहती है ताकि सच का पता चल सके। नेक्स्ट डे सू जियासन का इंटरव्यू लेने आती है और पार्किंग में एक लड़कों का ग्रुप आता है और सू को लगता है कि ये वही ग्रुप है जिसने उसे जियासन को मारने के लिए बुलाया है। जियासन के क्लोज जाने के लिए वो उसे नकली गुंडों से पिटवाना चाहती है और फिर उसे बचाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती है और वो उन लड़कों को समझाती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन तुम लोग जियासन को ज्यादा मत मारना, बस थोड़ा सा मारना। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि ये कौन पागल लड़की है जो बैकी बैकी बातें कर रही है और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी जियासन यहाँ आ जाता है और वो इन लड़कों से फाइट करना शुरू कर देता है। वो लड़का जियासन को पंच मारकर गिरा देता है, वो लोग उसे खूब मारते हैं, लेकिन तभी पीछे से सू आती है और एक बंदे को मारकर गिराती है और वो जियासन को उठाती है और सभी लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे करती है, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़का उसे हिट करने वाला होता है लेकिन जियासन बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी असिस्टेंट ने पुलिस को वहाँ पर बुला लिया होता है। पुलिस देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब जियासन के चोट पर सू मेडिसिन लगा रही होती है। जियासन इमेजिन करने लग जाता है सू उसे किस कर रही है। इमेजिनेशन से बाहर सू कहती है कि कल शाम 7 बजे मिलना है और जियासन को लगता है कि वो शायद मिलने के लिए बुला रही है। सू कहती है कि इंटरव्यू के लिए आना है और किसी चीज के लिए नहीं, और फिर वो होश में आ जाता है और फिर पूछता है कि तुम सच में मुक्शाओ नहीं हो, और फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि ये कौन है। इसके बाद जियासन यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सू फर्स्ट एड बॉक्स रखती है, वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें से मुक्शाओ की फोटो मिलती है। सू अपने फ्रेंड शियाओ से पूछती है कि मुक्शाओ आखिर उसकी क्या लगती होगी और वो उसे कहती है कि शायद तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी। सू बोलती है कि जब तक मुझे उस कार एक्सीडेंट का सच पता नहीं लग जाता मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं मुक्शाओ हूँ। शिया बोलती है कि जियासन मुक्शाओ को जानता है, यानी कि उसे उसका पास्ट भी पता होगा। तुम उसके क्लोज जाओगे तो तुम्हें उसके बारे में पता लगेगा और शायद तुम्हारी यादें भी वापस आ सकती है। नेक्स्ट डे सू जियासन का इंटरव्यू लेने के लिए आती है और पूछती है कि क्या कॉलेज लाइफ में तुम्हारा कोई लव रहा है। जियासन कहता है कि हाँ मुझे अपने टीचर से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन वो मुझसे एज में काफी बड़ी थी, पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी। और तभी सू को चक्कर आने लगता है, वो गिरने लगती है, लेकिन जियासन उसे पकड़ लेता है और सू सॉरी कहकर कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट करना भूल गई आज जल्दबाजी की वजह से। जियासन उसे खाने के लिए एक शॉप में लाता है। ये वही शॉप होती है जहाँ जियासन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर आया करता था। शॉपकीपर कहता है कि आप दोनों तो बहुत साल से आ रहे हैं, अब तो शादी कर ली होगी और शायद बच्चे भी होंगे। जियासन कोई जवाब नहीं देता। सू पूछती है कि तुम्हारे लिए वो पर्सन जरूर इम्पोर्टेंट होगी। जियासन कहता है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम उसी की तरह दिखती हो। सू इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे क्या उम्मीदें हैं, और वो कहता है कि जब मैं छोटा था तभी वो मर गए थे, इसलिए मुझे उनके एक्सपेक्टेशन का नहीं पता। सू बोलती है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, और वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है और मेरी विश है कि वो पर्सन दोबारा मेरी लाइफ में आ जाए। जियासन सू के परेशान सवालों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि और कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, और वो कहती है कि नहीं इतना काफी है। जियासन उसे घर ड्रॉप करने आता है। सू अंदर जाने लगती है लेकिन जियासन उसे कुछ कहने के लिए रोकता है, लेकिन फिर स्वीट ड्रीम्स कहकर वो उसे भेज देता है। और जब वो चली जाती है तो इसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और तभी एक टाइम वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सिस्टर का ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान खुद रख सकता हूँ। जियासन उसे कहता है कि बच्चे ऐसा बात बड़ों से नहीं करते और तुम भाई बहन के रिश्ते की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करो, और वो कहता है कि हम ब्लड रिलेटेड भाई बहन नहीं है। और तभी जियासन को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जियासन अपने असिस्टेंट को बोलकर सू के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कराता है और खासकर उसके पड़ोसियों के बारे में। ताई सू को बोलता है कि लड़के बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं होते क्योंकि वो उनके जीन्स में ही नहीं होता।
सू बोलती है कि तुम भी तो लड़के हो। ताई बोलता है कि मैं अलग हूँ। और तभी सू एकदम फनी तरीके में कहती है, कहीं तुम वो तो नहीं। ताई बोलता है कि तुमसे तो बात ही करना खराब है। इसके बाद एक आदमी सू को किमशो की 2014 की मैगजीन देता है। उस मैगजीन से सू को पता चलता है कि 7 साल पहले ली ग्रुप ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। सू के पापा भी उसी रिसर्च सेंटर में काम करते थे और उनके ऊपर इल्जाम था कि वो ली ग्रुप का फंड लेकर भाग गए थे, जिसके बाद उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं। शिया पूछती है कि क्या जियासन भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, और वो कहती है कि 7-8 साल पहले वो बाहर पढ़ाई कर रहा होगा, इसलिए वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट डे जियासन पेट क्लिनिक में आता है, क्योंकि जियासन को पेट बहुत पसंद है। जियासन को वहाँ सू दिखती है। जियासन कहता है कि फिर से तुम मुझे ट्रिक में फंसा रही हो। सू बोलती है कि पिछली बातों को भूल जाओ, मैंने सॉरी बोल दिया है ना, और मुझे पेट पसंद है, और तुम्हारा तो अच्छा खासा बिजनेस है, तो तुम उसे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। जियासन बोलता है कि ये क्लिनिक मेरी है, इसमें मेरी भी इन्वेस्टमेंट है। तो वो कहती है कि तुम अमीर लोग कुछ भी खरीद सकते हो। जियासन कहता है कि इंसान बदल जाते हैं, पर जानवरों पर भरोसा करने लायक है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलते। नेक्स्ट सीन में जियासन अपने असिस्टेंट को अपने रूम में बुलाता है और पूछता है कि तुमने सू के बारे में क्या पता लगाया। असिस्टेंट कहता है कि मुझे क्यों परेशान करके रखा है, उससे खुद जाकर पूछ लो ना। और जियासन गुस्से में उठकर जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि क्या सच में जा रहे हो। दूसरी ओर सू अपने ऑफिस में आ रही होती है और मीटिंग रूम में उसे जियासन में बैठा हुआ दिखता है। एडिटर सभी को बताती है कि ली ग्रुप ने अपने न्यू प्रोडक्ट के प्रमोशन का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिया है, और उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि सू होगी। ताई बोलती है कि इसे कुछ नहीं आता, तो तुम लोग इसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो। जियासन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इसे प्रोजेक्ट देकर गलत कर रहे हैं। वो कहती है कि बिल्कुल ये नहीं है, इसे कुछ समझ नहीं आता, तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट मुझे देना चाहिए। और जियासन कहता है कि ओ तब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए, तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है। जिसके बाद वो शांत हो जाती है। इसके बाद जियासन सू को अपने साथ चलने को कहता है। जियासन उसे अपने साथ अपने प्रोडक्ट कंपनी को दिखाने के लिए लाता है, और तभी वो उससे पूछता है कि 7 साल पहले तुम कहाँ थी। जियासन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी पर्सनल बातें तुमसे शेयर करनी चाहिए। जियासन बातों को टालता है और कहता है कि ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है। जियासन पूछता है कौन फ्रेंड, और वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की भी कोई नीड नहीं है, तुम मेरे बॉस हो तो बॉस के हद में रहो। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।